हमेशा अपनी बेबाक बयानों और राय को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली एक्ट्रेस से राजनेता और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने विपक्ष नेता की जमकर निंदा की। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नई हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और इसके आरोपों का समर्थन किया है। इसमें मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी पर आरोप लगाए गए हैं। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी को सबसे खतरनाक और जहरीला आदमी तक बताया। कंगना रनौत का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। कंगना रनौत ने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इसमें राहुल गांधी पर देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अनस्टेबल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक आदमी है, जिनके विचार नकारात्मक और विनाशकारी है। उनका उद्देश्य है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो देश को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे शेयर बाजार को टारगेट करने वाली हिडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, बेकार की साबित हुई है। वे इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अनस्टेबल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी, जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, और जिस तरह आप पीड़ित हैं, इसी तरह इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वे तुम्हें कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, तुम कलंक हो। कंगना रनौत का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर बाकी यूजर्स भी अपना अपना रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं। जहां कुछ यूजर्स उनके समर्थन में बोल रहे हैं, तो कुछ उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मैंने आज तक राहुल गांधी से स्वार्थी राजनेता नहीं देखा है। हालांकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक विदेशी महिला से जन्मा बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता, और ये बात राहुल गांधी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बता दे, कंगना रनौत जल्द ही मल्टी स्टारर फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली है, जो 6 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका।